खुशरामद नहीं, उसका मतलब क्या होता है वो बना के बताओ कि मतलब ये इसके अंदर मतलब जो है बाहरी क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंध था। करंट ज़्यादा नहीं था, एक 2009 से था और 2009 के करंट अफेयर थोड़े हुआ। बस यही था कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो वहाँ पे मांग रहा है उसको आपको लेके जाना होगा, नहीं तो अंदर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करने में बहुत समस्या। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और जो आज एमटीएस का पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट का, 12 सितंबर को समाप्त हो चुका। कैंडिडेट जो एग्जाम देकर 12 शुरू, चलिए कैंडिडेट से बातें करते उनका पेपर सर कैसा रहा है। इससे फट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका ही चैनल है। कैसे सवाल रहे? इंग्लिश इजी था, जीएस हल्का हार्ड था। हल्का हार्ड था, क्या हार्ड लगा आपको जीएस में? जीएस में मतलब इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और स्टैटिक जीके भी था, स्टैटिक जीके हल्का इजी था और करंट भी पूछ रहे थे। हाँ, सवाल ध्यान में आ रहा है जो पूछा गया है? करंट से क्या कहते हैं, पहले तो ये इजी पूछा विंग्स ऑफ फायर का, वो ओके। और विंग्स ऑफ फायर का पूछा था और एक चेतन भगत की किताब का वो पूछा था। इंग्लिश से? इंग्लिश इजी था, वो क्या कहते हैं पेरिल का वो पूछा था, सैनोनिम, और शायद बाब का पूछा था। हाँ, क्लोस्टेस थे या पैसेज? क्लोस्टेस। टॉपिक बता सकते हो किस टॉपिक से था रिलेटेड? जीएस इंग्लिश मिलाकर कितना अटेम्प्ट किए? 43। अच्छा अटेम्प्ट किए हो, फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? नहीं, सेकंड था। सेकंड से पहले भी दिए हो? हाँ। जो रिजल्ट नहीं आई है उसी में? हाँ। मैं आशा करता हूँ इस बार हो सफल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? नहीं अच्छा गया? नहीं। कैसा रहा? अच्छा था। चेहरा स्माइलिंग है, थोड़ा लग रहा अच्छा गया एग्जाम। अच्छा था, ये कुचिपुड़ी जो डांस होता उससे क्वेश्चन था, पद्म श्री किसको मिला है नया वाला 2009 में, 2016 में, 2015 में, वो वाला क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा बारिश अक्टूबर के महीने में कहाँ होती है, ये क्वेश्चन था। एंटोनियम एंड साइनोनियम्स तो रहता ही रहता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज वन वर्ड्स था, फिर एक पांच क्वेश्चन वाला फिलिंग दी ब्लैंक्स जो लास्ट में रहता वो था, और आपका जीके जीएस थोड़ा सा 14-15 क्वेश्चन आसान था, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। और मैथ रीजनिंग में रीजनिंग थोड़ा इजी था, 15 क्वेश्चन लगभग इजी था, और 5 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है। और मैथ भी इजी था, ठीक है। एंटोसाइनो कुछ वर्ड याद है? एंटोसाइनो याद तो नहीं है, आपका जीएस का क्वेश्चन याद है? आप बताइए। जीएस का जैसे कि कुचिपुड़ी वाला एक था, उसके बाद करंट अफेयर्स वगैरह से? करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन ही था, ठीक है। करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन ही था। साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। कितना अटेम्प्ट किया वैसे जीएस इंग्लिश मिला के? जीएस में 16 किए हैं, सही, एक दो तुक्का भी। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश में 10-15 क्वेश्चन, हाँ, सब मिला के 35 क्वेश्चन सही हो सकता है। ऑल द बेस्ट आपको। कैसा रहा? एक नंबर, गदा उड़ा दिए। हाँ, सब बना दिए क्या? मैथ रीजनिंग सब हल्का था, समझे, इंग्लिश थोड़ा सा ठीक ठाक था, जीके जीएस भी उतना हार्ड नहीं था, मतलब नॉर्मल ही था, मतलब जिसे मतलब जो है करंट अफेयर्स पूछ रहा है, मेन रूप से जो भी 9 में पद्म किसको मिला है, 16 में किसको मिला है, पद्मश्री किसको मिला है, पद्म पुरस्कार किसको मिला है, यही सब पूछ रहा है मेन रूप से। एस्टेटिक पर ज़्यादा फोकस किया जाए और जनरल अवेयरनेस पर फोकस किया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, करंट अफेयर वगैरह से कुछ नहीं था? करंट अफेयर था ना, वो एस्टेटिक के ही रूप में ही था। स्टैटिक के ही रूप? हाँ, एस्टेटिक के ही रूप में था कि मतलब 2023 में मतलब जो पद्मश्री किसको मिला है, गायन के क्षेत्र में किसको मिला है, डोमर्स कुमार था उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री में कौन सा मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्मभूषण मिला है, ये चीज से पूछ रहा है मेरे रूप से। इकोनॉमिक्स वगैरह से? इकोनॉमिक्स से वही पूछ रहा है कि एनएनपी जो है ना, एनएनपी क्या क्या होता है, पीसीआई क्या होता है, फुल फॉर्म। हाँ, ये सब पूछ रहा है, मतलब नहीं उसका मतलब क्या होता है वो बना के बताओ कि मतलब ये इसके अंदर मतलब जो है बाहरी क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लिखा था कि एनएनपी जीएनपी पीसीआई ऐसा बोला जाता है, ठीक है। साइंस से एक दो क्वेश्चन वही कि भाई ये कौन अदिश से कौन सदिश है, ये बस ऐसे पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है। और इंग्लिश में एंटोसाइनो वर्ड याद है? हाँ बताइए। साइनो सर है कि था अमली के लाइन सर, ये था ब्रेवेड था एक, ठीक है, एक था रिवॉल्यूशन था एक, समझ रहे हैं सर, ये तो सर। और सर वो होता ना इरर नहीं था,
कि सेंटेंस दिया हुआ था और उसमें कौन सा ये ईयर है वो बताना है, वो चार गो था, पांच को फिलिंग था, चार को ये था और चार को दो, एक एक वन वर्ड, एक आइडम था और यही था मतलब इंग्लिश में। संतोषजनक रहा परीक्षा? एक नंबर रहा। चलिए आशा करते हैं आप रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, कैसा रहा, कैसा लगा एग्जाम? बहुत अच्छा लगा। पहली बार दिए हो आप? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार दिए। कैसा सवाल पूछा गया? क्वेश्चन का लेवल ठीक था, लिख के लाए हैं। बताइए, जो बताइए। नवजात शिशु में कौन से पोषक के कमी से मस्तिष्क और ये रीढ़ में ये नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता है, ये था। और साइटू ऑफ यूनिटी कहाँ है? और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंध था। ये जो मिला के कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? और साइंस से कुछ? साइंस से नहीं याद आ रहा है। अच्छा, करंट अफेयर्स से? हाँ, करंट अफेयर्स से था, 2009 का था। फिर से ये था, खेल से था, फिर से ये नहीं याद आ रहा है। इंग्लिश से लिखे तो बहुत सारा हो आप। हाँ, तो जो लिखे हैं वही बता दीजिए। कौन ये आया था, राजस्थान से कौन सा पर्वतमाला संबंधित है? और बसंत ऋतु के आगमन से कहाँ पे वर्षा होता है? ये सब। टोटल कितना बना है जीएस इंग्लिश मिला के? टोटल 54। ओके, आई विश के रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? एकदम बढ़िया गया, एकदम इजी वे में था, आराम से दे सकते हैं। अगर पढ़े लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो बैठ गया आराम से, टाइम गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक क्वेश्चन, एकदम इजी वे था, एकदम इजी वे था। क्या फ्रस्ट्रेशन था? फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं था, बस यही था कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो वहाँ पे मांग रहा है उसको आपको लेके जाना होगा, नहीं तो अंदर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने में बहुत समस्या हो जाती है। बस यही सब है। और जहाँ तक की बात है, वही बोल रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन एकदम ईजी में था, एकदम ईजी था, कोई टेंशन नहीं है ईजी में। बाकी बाद में सब ठीक है। जी एस का कुछ सवाल बता सकते हैं? जी एस का नॉर्मली है, करंट अफेयर से उतना नहीं है। और पिछला 2018-19 का सवाल कुछ है, और बाद बाकी सब कुछ नृत्य वगैरह से है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में नॉर्मल है, कोई आइडियम्स है, कुछ साइनोनिम्स है, बाकी बात वोकैबुलरी से दो तीन है। और उसके बाद मैथ भी इजी वे में है, वो ब्याज वगैरह वाला परसेंटेज वगैरह से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर कहते हैं नहीं जज्बा हो तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कहते हैं नहीं क्या कहते हैं उसको, अगर जज्बा हो तो पहाड़ भी तोड़ दे, तो फिर सरकारी नौकरी क्या चीज़ है। बिहार से हो आप? बेगूसराय बिहार से हूँ मैं। तब तो ज़रूर आप फोड़िएगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बस बता दीजिए, मैथ रीजनिंग का क्या सीन रहा? मैथ का बहुत अच्छा सीन था, रीजनिंग भी ठीक ठाक था। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब मेन चैलेंज जीएस इंग्लिश कर रहे हैं? हाँ, जीके इंग्लिश बहुत चैलेंजेज है, बहुत चैलेंजिंग, बहुत। अच्छा, कुछ सवाल कुछ याद है क्लोज टेस्ट का, मतलब किस टॉपिक से था, क्या चीज़ में? टाइम वर्क था मैथ में, और सिम्प्लीफिकेशन था, और स्पीड से था। और इंग्लिश में था वो परसेंटेज नहीं था, वो क्या कह रहे, SSC था। और इंग्लिश में क्लोजेस्ट किस टॉपिक से था? ज़्यादा सेनोनिज्म था। अच्छा, एंटोसाइनो वाला वर्ड याद है? नहीं, नहीं याद है। अच्छा, करंट अफेयर्स का कुछ सवाल? करंट ज़्यादा नहीं था, एक 2009 से था, और 2009 के करंट अफेयर थोड़े हुआ। हाँ वो तो हाँ, बट 2009 से वो फिर स्टैटिक जीके में आ जाएगा। हाँ, स्टैटिक जीके ही था, SSC में से स्टैटिक जीके ही ज़्यादा पूछता है। साइंस वगैरह से कुछ सवाल था? साइंस में था, अदृश्य सदृश्य था। यानी केमिस्ट्री से था? केमिस्ट्री से नहीं था, फिजिक्स से था। हाँ ठीक है। और इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से? इकोनॉमिक्स से था, दो तीन क्वेश्चन। मज़ा आया परीक्षा देखे? बहुत मज़ा आया। पहला अटैम्प्ट था या फिर पहले भी दिए? नहीं, इससे पहले भी दे चुके हैं। कोई अंतर दिखा कि सब ऐसा ही है? नहीं, थोड़ा सा अंतर था, बट मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छा था। बहुत, आपका स्माइल बड़ा बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, इसी फट के हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।